वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास टेन पहले दो पार्ट्स में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इन सब की एप्लीकेशंस अब है मेन पार्ट दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज़ का जो एप्लीकेशन है वही मेन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए सबसे पहले तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए साइन स्क्वायेर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन प्लस सिर्फ इस आइडेंटिटी में आएगा बाकी दोनों में निगेटिव साइन आएगा आप कॉसेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन इसको याद रखने के लिए देखिए दोनों तरफ सी वाला जो है यानी cosec और कॉट दोनों एक साथ हैं साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायेयर हमेशा याद रहता है बहुत इजी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इक्वल्स वन बचा हुआ रहा सेक्स स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वायेयर तो इतना आपको याद रहेगा ही एस टी अगर आप अल्फाबेट्स में भी जाएँ तो एस पहले आता है टी बाद में आता है दैट मीन्स सेक्स स्क्र माइनस टेन स्क्वायर ना कि उल्टा और यहां पर जैसा मैंने कहा कि आप दोनों सी से याद रख सकते हैं सो सेक्स स्क्र माइनस कॉट स्क्वायेर इसका ये मतलब है जो tan और cot वाले होते हैं उन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है जैसे कि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टैन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर है कि सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर तो s और t s हमेशा पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में t बाद में आता है सो एस माइनस टी इधर जैसा कि मैंने बताया कॉशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में दोनों सी तो है ही हैं लेकिन ये कॉट जो है ये टैन का रेसिप्रोकल है तो कॉट और टैन दोनों नेगेटिव आ रहे हैं आइडेंटिटीज में अब हम क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एक रेशियो दिया हुआ है और बाकी सारे रेशियोज निकालने हैं क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आपको टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्सप्रेस करना है सबसे ईजी है tan ए इज बेसिकली रेसी प्रोकल सो इट इज वन अपॉन कॉट ए तो ये तो आपका हो गया सबसे ईजी वाला टेन ए टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए सो वी A इन टर्म्स ऑफ कॉट ए अब आती है बारी साइन ए और सेक ए की तो सबसे पहले आप ये देखिए कि रिलेशनशिप क्या है सेक्स स्क्वायर और tan का है लेकिन हमारे पास है कॉट आप देखते हैं कॉट का है कॉसेक्स स्क्वायर और कॉट स्क्वायर से हमको ये मालूम है कि कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं hmm. कॉसेक्स स्क्वास वन प्लस कॉट स्क्वायर ए ये वाली यूज करी हमने कोसेक्स स्क्वायर ए इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक्स स्क्वायर ए इज बेसिकली वॉट वन अपॉन साइन स्क्वायर ए ज वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स वन प्लस क्वाड स्क्वायेर ए अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तब क्या होगा साइन स्क्वायेर ए या अभी हम साइन ए लिख रहे हैं इक्वल्स अंडर रूट वन अपॉन वन प्लस क्वाड स्क्वेर ए देखिए मैंने इसी स्टेप में कर दिया क्योंकि ये साइन स्क्वायेयर आता है इसके बजाय मैंने साइन ए लेना था तो मैंने इसका अंडर रूट ले लिया सो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए इज वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट अब आती है बारी हमारी सेक ए की नाउ टू एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए सो वॉट आई हैव हियर इज सेक स्क्वायर ए इज वन प्लस टैन स्क्वायेर ए टैन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए तो देखिए अगर यहाँ पर वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए किया और कॉट स्क्वायर ए को एल्सियम लिया तो आएगा कॉट स्क्वाॅर ए प्लस वन और इधर है ये सेक स्क्र ए लेकिन हमें निकालना है सेक ए तो सेक ए विल बी जस्ट द अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वेर ए अपॉन कॉट स्क्वेर ए आप इस कॉट स्क्वायर ए को बाहर भी ले सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए माई क्वेश्चन इज आई हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड तो प्रूफ में हमेशा आपको पहले एक साइड को ही सॉल्व करना है और उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है किसी किसी केस में होगा कि आपको दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करके एक कॉमन आंसर निकालना है अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कॉट ए कॉट ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और ये है माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय वंस अगेन कॉट ए विल बी कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन एंड दिस विल बी प्लस कॉस ए अब देखिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस ए से डिवाइड कर दें कॉस ए से या अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको जरा भी कन्फ्यूजन है कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ए अगर हम सिर्फ एल्सियम लेके करें अभी फिर आएगा नीचे कॉ से प्लस कॉसे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए एंड दिस होल वन सेकेंड डिवाइडेड बाय साइन ए साइन ए और साइन ए पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में ऊपर देखिए कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर लें कॉस ए से तो ऊपर क्या क्या बचेगा वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉसे डिवाइड बाय कौस एज वन प्लस साइन ए सो इट इज वन प्लस साइन ए और साइन ए आपको पता ही है कॉसेक का रेसिप्रोकल सो इट कैन बी रिटर्न इज वन अपॉन कॉसेक ए सो वन माइनस वन बाय कॉसेक ए एंड दिस इज वन प्लस वन बाय कोसेक ए आप फिर से आप एल्सीम लीजिए ये आएगा कोसेक ए माइनस वन होल थिंग डिवाइड बाय कोसेक ए इसको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं बाद में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कौेक ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कोसेक ए और ये कौक ए कैंसिल आपका आंसर है कॉसैक ए माइनस वन कौक ए प्लस वन सो दिस इज योर प्रूफ वंस अगेन द सेम क्वेश्चन एक और इजी मेथड है लेकिन उसके लिए आपको पहले ये याद रखना है कि कॉमन निकालने की कोशिश करनी है कॉमन कैसे देखिए कॉस ए अपॉन साइने मैंने कॉट ए को चेंज किया माइनस कॉस ए होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइने माइनस कॉस ए अब इसी स्टेप पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे कैसे कॉस ए को यहीं से कॉमन निकालना शुरू करिए ये देखिए कॉस ए तो बचेगा आपके पास वन अपॉन साइन ए माइनस वन ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय कॉस ए वंस अगेन कॉमन डिवाइड बाय वन अपॉन साइन ए एंड दिस इज प्लस वन कॉस ए यहीं से कैंसल कर दीजिए वन अपॉन साइन ए इज वॉट इट इज कॉसेक ए माइनस वन एंड दिस इज कॉसेक ए प्लस वन तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कॉमन शुरू में ही निकाल लें तो भी आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है और अगर आपको और अच्छे से समझ आना था तो यहीं से आप कॉमन निकालने से पहले ही कॉस ए से डिवाइड कर लेते इट्स जस्ट वन एंड द सेम मेथड बहुत होते हैं एक क्वेश्चन को करने के आपको जो इजी लगे आप उसको कर सकते हैं सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल तो इन दिस क्वेश्चन माइनस थी थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा ये आपको प्रूव करना है सो वी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड इसके भी हम दो मेथड्स देखेंगे सबसे पहले देखिए अगर हम क्वसेक थीटा और कॉस थीटा को साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस करें सो दिस इज वन अपॉन साइन थीटा वन बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका ये आ गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। आप कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा सॉरी साइन थीटा इधर आ गया आपका वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये नीचे आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि ये होल स्क्वायर था साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब होता है वन माइनस को स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस को स्क्वायर थीटा और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा आप ये लिख सकते हैं इसको और ये था वन माइनस थीटा होल स्क्वायर सो वी कैन वेरी वेल राइट इट एज वन माइनस थीटा, वन माइनस थीटा, क्योंकि स्क्वायर था नीचे वन माइनस थीटा एंड वन प्लस थीटा। आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है कट जाएंगे वन माइनस थीटा, वन प्लस थीटा, यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था दिस इज वन मेथड अब दूसरा मेथड हम देखेंगे फिर से दूसरी आइडेंटिटी यूज करके इस बार हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को टू रीच बैक टू द लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा से न्यूमिनेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर सो वन अपॉन साइन थीटा यहां पर आएगा तो आएगा कॉसैक्ट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज

और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में हम कर सकते थे तो इसलिए अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें कॉसेक् थीटा 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 से माइनसा थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ बाय माइनस क्व थीटा एक्चुअली ये तो वन ही है क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे नीचे अगर आप हाँ देखेंगे तो आएगा कोसेक स्क्वेर थीटा माइनस कॉट स्क्वेर थीटा विच इज इक्वल टू वन और ऊपर आएगा कोसेक थीटा माइनस को थीटा द होल स्क्वेर तो ये तो टोटल है ही वन सो विच इज रिमेनिंग इज कोसेक थीटा माइनस कॉथीटा होल स्क्वेयर तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे तो हमने देखा कि इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं या राइट हैंड साइड को इस क्वेश्चन में हम दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये आपकी बुक का फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड साइड में वन प्लस सेक ए को हम लिखेंगे वन अपॉन कॉस ए और यहां भी हम सेक ए को लिखेंगे वन अपॉन कॉस ए इसके बाद देखिए एलसीएम ले लेंगे कॉस ए प्लस वन ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस वन डिवाइड बाय कॉस एंड वंस अगेन इट इज वन अपॉन कॉस ए कॉस ए तो कैंसिल हो गया आपका बच गया कॉस ए प्लस वन ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड अब आते हैं राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे देखिए साइन स्क्वायर ए इट कैन बी वेरी वेल रिटर्न एज वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायेर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए तो हमारा डिनोमिनेटर था ही वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पर फिर लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो इट बी वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए और ये ब्रैकेट आपका कैंसिल आंसर आया आपका वन प्लस कॉस ए और यहाँ पर भी आपका सेम आंसर था कॉस ए प्लस वन तो देखिए कई कई क्वेश्चन पे अगर आपसे एग्जाम में ना बने तो आप दोनों साइड को सिम्पलीफाई करिए अलग अलग इक्वेट करके सॉल्व नहीं करना है आप यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड एंड वंस वेन यू कम टू द कंक्लूजन यहाँ और यहाँ का बराबर हो गया सो यू कैन वेरी वेल राइट एल एच एज इक्वल आर एच एज प्रूव्ड ये देखिए अभी जैसे कि हमने सारे स्टेप्स देखे कभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल या वाइस वर्सा और इस केस में आपने दोनों ही सॉल्व किए तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टेन स्क्वायर इसके बहुत सारे मेथड्स हैं फिर से या आप इसको साइन और कॉज की टर्म्स में करते या आप डायरेक्टली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं किस तरह देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए को अगर हम अभी इसी तरह रहने दें और कॉड स्क्वायर ए को लिखेंगे वन अपॉन टेन स्क्वायर ए सो इट विल वन प्लस वन डिवाइडेड अब यहाँ देखिए वन प्लस यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायेर ए प्लस वन इन द डिनिनेटर डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए दिस इज योर डिनोमिनेटर और इधर है आपका ये न्यूमोरेटर टेन स्क्वायर ए सो वेन दिस कैंसल्स आउट इसको डिवाइड बाय वन समझ लीजिएगा अगर आपको जरा भी कन्फ्यूजन है सो दिस गोज़ इन टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स टेन स्क्वायर ए तो आपकी कौन सा देखिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा याद रहने चाहिए कि टैन और कॉट में कौन सा किसका रेसिप्रोकल है सेक कॉसैक में या कौन सो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर टैन स्क्वायर ए इसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे साइन और कॉस की टर्म्स में लेट्स सी वन प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए ये आ जाता आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता आपका वन प्लस कॉ स्क्र ए डिवाइड बाय साइन स्क्वेर ए अब इसका देखिए अगर हम लोग लेंगे रेलसीएम तो ऊपर आएगा कॉ स्क्र ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज वन सो इट विल बी वन अपॉन कॉ स्क्वायर ए अब नीचे आता साइन स्क्वा प्लस कॉ स्क्वायर ए डिवाइड बाई सा ए और ये आपको पता ही है इसका रेसी प्रोकल हो जाएगा सो इट विसर ए डिवाइड बाय स्क्र ए विच इज वंस अगेन टैन स्क्वेर ए अगर एग्जाम में आप भूल जाए कि किस तरीके से करना है तो सबसे ईजी मेथड है टैन कॉट क्वेक सेट को आप साइन और कॉज के टर्म्स में ले आइए जैसे कि अभी हमने ये वाला मेथड देखा डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं लेकिन कभी कभी ये वाला मेथड ईजी पड़ता है so सो यू हैव वो द मेथड्स विथ यू ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे साइन ए से साइन ए से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड will be cot a minus one plus cosec a क्योंकि हमने डिवाइड किया है साइन a से साइन a से जब नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा cot a plus minus cosec a यहां तक तो आपका इजी है अब one इस one को हम कैसे लिखेंगे चेंज करके इट विल बी cosec square a minus cot square a स्टेप के बाद देखिए कैसे करेंगे हम इसको लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक् स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिस इज कॉसेक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्योंकि आइडेंटिटी आपकी क्या है कॉसेक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स वन तो वन को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया नीचे आप वैसी का वैसी लिखिए कॉट ए प्लस वन माइनस कौसेक ए अब यहाँ फिर से लगेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी इज कौसेक ए माइनस कॉटे इन टू कौक ए प्लस कॉटे और यहाँ देखिए कौसेक ए प्लस कॉटे कॉमन है तो ये निकल गया कॉटे प्लस कौसेक ए कॉमन दोनों इसमें से और इसमें से इसको अगर एक ब्रैकेट में ले लें तो इन दोनों में से कॉमन बचा वन माइनस सेक ए माइनस कॉट ए वाला कॉमन बचा सो दिस इज माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए इन अ ब्रैकेट एंड हियर आई हैव कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए अगर आप इसको ध्यान से देखें जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा दैट मीन्स दिस एंड दिस इज सेम अगर इसको एक ब्रैकेट में डाल दें सो दिस होल ब्रैकेट इज सेम एज दिस वन आपका आंसर आ गया ए प्लस कोसेक ए तो देखिए कई कई क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आप ये नहीं कि यहाँ भी वन को रिप्लेस कर दें आप इस वन को छोड़ दीजिए ज़्यादातर आपको न्यूमरेटर वाले वन में आइडेंटिटी लगानी है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री होप यू लाइक द सेशंस स्टे ट्यून टू आइडिया इन